पीटर कनाडा के एक छोटे से शहर से हैं। पीटर अपने चार फ्रेंड्स के साथ टाइटैनिक शिप का मलबा ढूंढने और उस पर रिसर्च करने के लिए नॉर्थ अटलांटिक महासागर में जाने का प्लान बनाता है। वहां अपने बेस्ट फ्रेंड टॉम से मिलता है और प्लान को कंफर्म करने की बात करता है। हे पीटर, हाउ आर यू? आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? आई एम आल्सो गुड। बोलो, आज यहाँ कैसे? अरे यार, तुम भूल गए, हमें जाना है ना। कहाँ जाना है? अभी तो मैं ऑफिस से आ रहा हूँ। यार जोक तो तुम अच्छा कर लेते हो, पर सच कहूँ तो दोस्त, ये जोक करने का राइट टाइम नहीं है, और वैसे भी मुझे तैयारियां करनी है। ओके, तो हम कब निकल रहे हैं? हम आज से ठीक दो दिन बाद निकलेंगे। इस बार मुझे कोई भी एक्सक्यूज नहीं चाहिए, इस बार जाना फाइनल है, तो तुम अपनी पूरी तैयारी के साथ रेडी रहना। श्योर ब्रो, तो डील डन, मिलते हैं परसों। आज से 111 साल पहले अटलांटिक महासागर में डूबे विशालकाय जहाज टाइटैनिक के मलबे को देखने की सभी के मन में एक तीव्र इच्छा थी। मन ही मन में हर कोई सपना देख रहा था, पर ये सब इतना आसान नहीं था, और वहां जाकर उनके साथ क्या होने वाला था, इस बात का उन पांचों को जरा भी अंदाजा नहीं था। कई सालों से मैं जो सपना देख रहा था वो अब पूरा होने जा रहा है। अगर मेरी ये ट्रिप सक्सेसफुल रही तो मैं दुनिया के सबसे पॉपुलर लोगों में से एक हो जाऊंगा। बहुत से लोग मुझसे मिलना चाहेंगे, कई सारे मीडिया वाले मेरा इंटरव्यू लेने के लिए पीछे पड़ जाएंगे। पीटर अपने मन में बहुत सारे सपने सजाए बैठा था, और उसके अंदर उन सपनों को पूरा करने की भूख और जुनून भी था, पर उनकी किस्मत में क्या लिखा है ये कोई भी नहीं जानता। और वैसे भी पीटर उस रास्ते पर जाने वाला है जहाँ से कोई भी लौट कर वापस नहीं आया था। मुझे भी पता है कि ये जर्नी इतनी आसान नहीं होने वाली है, पर वो काम ही क्या जो थोड़ा मुश्किल ना हो, और वैसे भी जो काम आसान होता है उसकी वैल्यू नहीं होती। पीटर अटलांटिक सागर में जाने के लिए दिन गिनने लगा, और देखते ही देखते वो दिन आ ही गया जिसका पीटर को बरसों से इंतजार था। वो टॉम को कॉल करता है। हाय टॉम, तुम रेडी हो ना? मैं तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ। मैं पूरी तैयारी पर हूँ, और बाकी लोग भी मेरे साथ मेरे घर पर ही हैं। आ जाओ। अब पीटर अपनी कार लेकर टॉम के घर जाता है, और वहाँ से अपने चारों दोस्तों को लेकर ओशियन गेट कंपनी के ऑफिस पहुँचता है। सभी के अंदर एक अलग ही एक्साइटमेंट दिख रही थी। पीटर जाकर कंपनी के मैनेजर से मिलता है। हाय, क्या हमारी सबमरीन रेडी है? यस सर, योर सबमरीन इज रेडी फॉर ट्रिप, प्लीज मीट योर कैप्टन। मैनेजर पीटर और उसके दोस्तों को उनके कैप्टन से मिलवाता है, और यात्रा शुरू करने की तैयारी करते हैं। कैप्टन पीटर और उसके दोस्तों को सबमरीन पर ले जाता है, और वहां से उनकी टाइटैनिक पर जाने की जर्नी शुरू होती है। अब इनकी पनडुब्बी धीरे धीरे पानी के अंदर उतर रही है, जहां चारों तरफ बस पानी ही पानी है और कुछ भी नहीं। ये हुई ना बात, अब आएगा असली मजा। तो हमारे प्यारे कैप्टन, क्या आप हमें बताएंगे कि हम कितने दिन पानी के अंदर रह सकते हैं? सर, हमारे पास 50 घंटे के लिए ऑक्सीजन अवेलेबल है। इसके अकॉर्डिंग हम 2 दिन और 2 रात तक समंदर के अंदर रह सकते हैं। फैंटास्टिक, मतलब हम अच्छे से टाइटैनिक की डिटेल्स ले सकते हैं। यस सर, श्योर, हम लगभग पहुंच ही चुके हैं। वो देखिए, वहां पर मुझे टाइटैनिक का मलबा दिखाई दे रहा है। पनडुब्बी टाइटैनिक के नजदीक पहुंच चुकी थी। सभी का एक्साइटमेंट बढ़ता ही जा रहा था। जिस जगह टाइटैनिक का मलबा था वहां पर बहुत अंधेरा छाया हुआ था, और गहरी जगह होने के बाद भी वहां पर कोई समुद्री जीव नहीं है। इस जगह पर कुछ तो सस्पेंस है। देखो, वहां पर कोई भी नहीं है, फिर भी पानी के बुलबुले उठ रहे हैं। कहीं यहां पर कोई भूत वगैरह तो नहीं? कुछ भी मत बोलो यार, यहाँ पर पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा है, इसीलिए किसी होल में से पानी निकल रहा होगा, और इसी वजह से ये बुलबुले निकल रहे हैं। जैसे ही ये लोग टाइटैनिक के मलबे के पास जाते हैं, वहाँ पर बहुत ज्यादा बुलबुले निकलने शुरू हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि वहाँ पर कोई पानी में डूब रहा है। वो देखो, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है तो जाकर पता करते हैं कि वहाँ सच में क्या चीज है। पीटर अब सच का पता करने के लिए सबमरीन से उतरकर टाइटैनिक के नजदीक जाता है। जैसे ही वो बुलबुले वाली जगह पर पहुंचता है,
उस जगह से खून बहने लगता है और कुछ लोगों के कपड़े दिखाई देते हैं। ये किसके कपड़े हैं? कहीं कोई हमारे साथ प्रैंक तो नहीं कर रहा है? पीटर कपड़े के पास जाता है, तभी एक शर्ट के बाजू से एक हाथ निकलता है और वो हाथ पीटर के हाथ को अपनी तरफ खींच लेता है। छोड़ो मुझे, कौन है? मेरा हाथ छोड़ो। वो हाथ पीटर को बहुत तेजी से पानी की तरफ खींचता है और अब पीटर पानी के अंदर अपना बैलेंस खो देता है और उसके मुंह में लगा मास्क निकल जाता है। बचाओ, बचाओ! पीटर खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है पर छुड़ा नहीं पाता। वो हाथ पीटर को अपने साथ मलबे के अंदर ले जाता है। कुछ देर तक जब पीटर का कहीं भी अता पता नहीं चलता तो टॉम थोड़ा डर जाता है। पीटर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, हमें सबमरीन को टाइटैनिक के पास ले जाना चाहिए। कैप्टन सबमरीन को टाइटैनिक के पास ले जाता है और जैसे ही सबमरीन टाइटैनिक के पास पहुंचता है उसका खुद का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो पानी में डगमगाने लगता है। ओह माय गॉड, व्हाट इज हैपनिंग? बैलेंस बिगड़ जाने से सबमरीन खुद ही टाइटैनिक के मलबे से टकरा जाती है। अब तो कोई नहीं बचने वाला, जिस बात का डर था वही हो रहा है। अब टॉम, उसके दोस्त और पायलट शेरॉन सभी लोग खुले समंदर में आ जाते हैं। सबमरीन कई बार टाइटैनिक शिप के मलबे से टकराती है और कुछ देर में टूट जाती है। टॉम को वहाँ पर कुछ एंटीक चीजें दिखाई देती है। वाह, ये देखो, लगता है ये टाइटैनिक शिप का कोई महंगा वाला पार्ट है। इसको अपने साथ ले चलता हूँ। सबसे पहले तो अपनी जान बचाने की सोचो, क्योंकि हमारे पास ज्यादा ऑक्सीजन नहीं है और हमें बचाने कौन आएगा ये भी पता नहीं है। टॉम पायलट की बातों पर ध्यान नहीं देता और एंटीक चीजें बटोरता रहता है। तभी उसको टाइटैनिक शिप के सामने बहुत से लोग दिखाई देते हैं जिन्हें देखकर टॉम डर जाता है। जो मुझे दिखाई दे रहा है, क्या तुम भी वही देख रहे हो? हाँ, पर ये लोग हैं कौन और यहाँ अचानक कहाँ से आ गए? मुझे तो ये लोग भूत लग रहे हैं जो टाइटैनिक जहाज के साथ डूबे थे। उन भूतों में से कुछ भूत टॉम और उसके दोस्तों के पास आते हैं। आओ, तुम लोग हमारी मौत का तमाशा देखने आए हो ना? नहीं, हम तो यहाँ पर तुम्हारी मदद करने आए हैं। ओह, तो तुम 111 साल के बाद हमारी मदद करने आए हो? आओ, करो ना हमारी मदद। हमें इस दुनिया से बाहर ले जाओ, अपनी दुनिया में ले चलो हमें। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम लोग मर चुके हो, अब तुम लोग हमारे साथ हमारी दुनिया में वापस नहीं आ सकते। अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम हमारी मदद करने आए हो, अब क्या हुआ? तुम यहाँ पुरानी कीमती चीजें बटोरने आए हो, पर हम लोग ये तुम्हें करने नहीं देंगे। सभी भूत टॉम पायलट और टॉम के दोस्तों के पास आते हैं और उनका ऑक्सीजन सिलेंडर छीन लेते हैं, जिससे सभी लोगों का दम घुटने लगता है और उनके मुंह में पानी भरने लगता है, जैसे हम लोग बिना ऑक्सीजन के घुट घुट कर मर रहे थे। अब वही हाल तुम्हारा भी होगा। कुछ देर तक तड़पने के बाद टॉम और उसके सभी दोस्त और पायलट भी मर जाते हैं। अब उनकी बॉडी पानी में अलग अलग तैर रही है और उनकी आत्मा टाइटैनिक में मरे हुए लोगों के साथ शामिल हो जाती है। ये लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि कोई दूसरा टाइटैनिक शिप के मलबे पर रिसर्च करने के लिए आए, तो ये सभी भूत मिलकर उसको अपने साथ शामिल कर ले। क्या कोई है जो इन भूतों का शिकार होने वाला है? जानने के लिए जुड़े रहिए इसके अगले पार्ट में। मुंबई का मास गांव डॉक, जो सालों पहले एक बंदरगाह था, आज यहाँ सिर्फ शिप रिपेयर के लिए आती हैं। सालों पहले यहाँ लोगों की भीड़ लगी रहती थी, विदेशी ट्रेडर्स अपना सामान बेचने आते थे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये चहल पहल वीराने में बदल गई? वो साल था 1990, जब ला ओपाला नाम की एक रशियन शिप को मास गांव डॉक के बंदरगाह पर लाया गया था। ला ओपाला दिखने में आम शिप थी, लेकिन जब उसे लाया गया तो उसे एक बड़े जहाज से खींच कर लाया गया। ला ओपाला को रिपेयर करने लाया गया था।
सर, इतनी बड़ी शिप और इसकी ऐसी हालत? मैंने ये शिप रशिया से खरीदी है। उनकी ये शिप रास्ता भटक गई थी और एक अनजान टापू पर अटक गई थी। एक साल के बाद रशिया वालों ने इस शिप को ढूंढा और इसे अपने अधीन ले लिया। बस मुझे ये शिप कबाड़ के दाम में मिली है। अब क्या, इसे रिपेयर करना है बस। ठीक है सर, मैं जांच करता हूँ। वो मैकेनिक शिप के भीतर गया और उसके पुर्जे जांचने लगा। कुछ देर बाद वो ओनर के पास वापस आ गया। सर, ज्यादा खराबी तो नहीं दिख रही, बस हल्की फुल्की मरम्मत और पेंटिंग के काम की जरूरत है। गुड, तो ये लो एडवांस, काम शुरू कर दो। मैकेनिक बहुत खुश हुआ क्योंकि शिप के रिपेयर से उसे अच्छी खासी आमदनी होने वाली थी। लेकिन भला उसे क्या पता था कि उसके साथ आगे क्या होगा। मैकेनिक ने अपने बंदों को शिप के रिपेयर के काम में लगा दिया। पहले हम इसका इंजन ठीक करेंगे, फिर बाहरी मरम्मत और फिर पेंटिंग। हाँ ठीक है, तो चलो काम पे लग जाओ। मैकेनिक और उसके बंदे शिप के भीतर गए और इंजन के पुर्जों को ठोक पटक कर जांचने लगे। शिप काफी बड़ी थी तो इंजन भी उतना ही बड़ा था। अलग अलग बंदे अलग अलग पुर्जे जांच रहे थे। इन सभी को काम करते करते सूरज ढल गया और अचानक शिप की सारी लाइट्स ऑन हो गई। ये कैसे हुआ? अब रुकिए, मैं देखता हूँ। वो बंदा देखने के लिए बाहर आया तो बाहर का मंजर देख के उसके होश ही उड़ गए, जिनमें से एक कैप्टन था। लगता है हम किसी नए देश में आ गए हैं। वो बंदा भागता हुआ भीतर आया। बाहर, बाहर, भूत है। क्या? हाँ, कैप्टन और उसके लोग। क्या कुछ भी बोल रहे हो, भांग वांग खा के आए हो क्या? रुको, मैं देखता हूँ। नहीं, बाहर मत जाओ। मैकेनिक ने अपने बंदे की नहीं सुनी और फिर भी बाहर चला गया। बाहर का मंजर देखते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया और इस बार कैप्टन के भूत ने उसे देख लिया। हमारे शिप में घुसपैठिए हैं, पकड़ो उसको। आदेश सुनते ही बाकी भूत मैकेनिक की तरफ बढ़ने लगे। मैकेनिक की समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर उसके साथियों ने उसे भीतर इंजन के कमरे में खींच लिया। मैंने कहा था ना, पर ये कैसे हो सकता है? सभी लोग चिंतित थे कि अचानक शिप का इंजन चलने लगा। अरे ये क्या हो रहा है, ये शिप चल रही है। लगता है वो कैप्टन का भूत इसे चला रहा है। पर अब हम क्या करें, यहाँ से कैसे निकले? मैकेनिक और उसके तीनों साथी सोच ही रहे थे कि अचानक जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आने लगी। लाइट्स ऑन ऑफ होने लगी। सभी लोग डर गए और अचानक उन चारों के सामने भूत खड़े थे। हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरे शिप में घुसकर मुझसे ही पूछ रहे हो कि तुमने मेरा क्या बिगाड़ा? हमें माफ कर दो। उन भूतों ने किसी की एक न सुनी और चारों के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अगले दिन जब जहाज का मालिक अपने लोगों के साथ वहां आया तो वो हैरान रह गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वहां हुआ क्या है। मालिक सोच में पड़ गया कि ये सब क्यों हुआ। फिर उसने अपने एक नौकर को बुलाया। सुनो, आज रात तुम इस जगह की निगरानी करोगे। तुम्हें किसी भी हालत में जगह पे चढ़ना नहीं है। दूर बंदरगाह से ही इस पर नजर गड़ाए रखना और कल मुझे पूरी जानकारी देना। ठीक है मालिक। वो नौकर मालिक की बताई हुई जगह पर
कुर्सी लगाकर बैठ गया और अपनी दूरबीन से जहाज पे नजर रखने लगा। अभी तक तो कुछ गड़बड़ दिखाई नहीं दे रही है। ये मालिक भी ना ये मतलब के काम देते हैं। खैर मुझे क्या, अच्छा है मैं अपने साथ अपनी साथी ले आया, अब पूरी रात इसके सहारे बिता दूंगा। नौकर ने अपनी शराब की बोतल खोली और शराब पीने लगा। कुछ देर बाद अचानक जहाज की सारी लाइट्स ऑन हो गई। ये कैसे? नौकर ने अपनी आंखें मसली। कुछ तो गड़बड़ है, लगता है मैं दारू पी रहा। वहाँ कोई तो जहाज में चढ़कर चोरी कर रहा है, मुझे जाकर देखना चाहिए। शराब के नशे में नौकर अपने मालिक की हिदायत तो भूल ही गया कि उसे जहाज में नहीं चढ़ना है। नौकर जहाज पे चढ़ गया। चोर कहेंगे? मुझे पता है तुम सब यहाँ चोरी करने आए हो, लेकिन मेरे रहते हुए तुम लोग इस जहाज से कुछ भी चुरा नहीं सकते। ये मेरे मालिक का जहाज है। तेरे मालिक का? ये मेरा शिप है और मेरा ही रहेगा। ऐसे बोलते हुए कैप्टन की भूत ने नौकर को जमीन से उठा लिया और वहीं उसकी गर्दन मरोड़ दी। ये मेरा शिप है। अपनी नौकर की लाश देखकर मालिक दंग रह गया। अब उसे यकीन हो गया कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वो सोच में पड़ गया। मैंने इसे बोला था कि शिप पर ना जाए, लेकिन इसने मेरी नहीं सुनी। अब मैं क्या करूं? किसी और को बोलूंगा तो शायद वो भी ऐसे ही मरे। नहीं नहीं, मुझे खुद ही कुछ करना होगा। इसीलिए मालिक ने खुद जहाज पर निगरानी रखने की ठान ली। वो दूर से दूरबीन की मदद से जहाज को देखता रहा। अभी तक तो सब ठीक ही लग रहा है, सूरज भी डूब रहा है। और अचानक सारी लाइट्स ऑन हो गईं। ये क्या? मालिक ने दूरबीन से देखा तो उसे जहाज पर कुछ लोग दिखे। ये लोग कौन हैं? उसने गौर से देखा तो दंग रह गया, क्योंकि वो इंसान नहीं भूत थे जो जोर जोर से हंस रहे थे। मालिक समझ गया कि उन सब की मौत क्यों हुई। अगले दिन मालिक ने एक तांत्रिक बाबा को बुलाया। तांत्रिक बाबा जहाज पर बैठकर पूजा करने लगा। ओम ब्रिम ग्रिम वम जम द्वा। वो तांत्रिक सूरज ढलने के बाद भी वहीं रहा और मालिक फिर से दूर खड़े रहकर सब देखने लगा। लाइट्स ऑन हुई और जो मालिक ने देखा वो देखकर उसकी रूह कांप गई। कैप्टन के भूत ने तांत्रिक की छाती में खंजर आर पार कर दिया। मालिक ने लोगों को सख्त हिदायत दी कि वो शिप के आसपास न जाएं। और वो सोचने लगा कि कैसे वो इस शिप से छुटकारा पाएगा। उसने वापस रशिया में कॉल किया, पर उन लोगों ने वो शिप वापस ले जाने से मना कर दिया। आए दिन कोई न कोई इस शिप के भूतों का शिकार बनता था। सभी लोग परेशान थे कि इस शिप का क्या किया जाए, लेकिन किसी के पास कोई उपाय नहीं था। धीरे धीरे ये बात लोगों में फैल गई कि मास गांव डॉक पर खड़ी लाओपाला शिप में भूत रहते हैं। और धीरे धीरे लोगों ने मास गांव डॉक जाना बंद कर दिया। और इसीलिए मास गांव डॉक, जो कभी व्यस्त बंदरगाह था,
वो एक हॉन्टेड शिप की वजह से वीरान बन गया। आज भी लोग सूरज ढलने के बाद मासगांव डॉक के आसपास भी नहीं जाते।